अगर अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। ये जो पूरी ताकत है गीता कौड़ा की, वो मधु कौड़ा की वजह से आप तो 273 हो रहा है या 273 से कोई मतलब नहीं, उनकी सरकार तीसरी बार बनेगी अगर 200। विपक्ष का नैरेटिव सेट इन क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरा ये प्रश्न है। एक पार्टी का एक छत्र उसका प्रभाव है, उनके नेताओं पे लोगों का विश्वास है और पलटी हैरानी से देख रहे हैं आप। कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना है। लेकिन सच्चाई है ये, मीडिया अगर सच 2 महीना कंटिन्यू दिखा दे पाते किया दरबारियों पर भी तो 2 लाइन बोलिए तो डिवीजन में बीजेपी की सीटें जीती हुई जो है वो 225 से ज्यादा है। अच्छा है, कॉन्फिडेंस कम से कम कभी नहीं खोना चाहिए बाकी जो भी हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबों का डिबेट वाला में। दोस्तों आज कांग्रेस की जो हालत है उसके पीछे की वजह क्या है, भारत में मौजूद मीडिया है, कांग्रेस में व्याप्त दरबारी में नेता है या फिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, इसी को जानने के लिए चलिए हम लोग वीडियो क्लिप देखते हैं जिसे हमने लिया है। आज तक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी एंकर अंजना ओम कश्यप है। तो चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है? गीता कोड़ा किस मामले में जो है अभियुक्त है? खुद नहीं, वो खुद तो नहीं है, तो वो खुद तो नहीं है, लेकिन अब अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। राहुल गांधी पर 420 का केस बना है तो उसके कारण जो है प्रियंका वाड्रा पर तो केस नहीं चल सकता ना। बात तो सही है। ठीक है, तो भारतीय जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आ रही हूं तुरंत अतुल जी। देखिए गीता कौड़ा क्यों वहां पे हैं? मधु कौड़ा की वजह से। तो ये जो पूरी ताकत है गीता कौड़ा की, वो मधु कौड़ा की वजह से। आप गीता कौड़ा को लेने का मतलब ये है कि आप मधु कौड़ा के सारे जो आरोप लगे थे उसको आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं, सीधी सी बात यह। और ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे वो नियम तोड़ दिए हैं। दरअसल सुवेंद्र अधिकारी का उदाहरण देख लीजिए, मुकुल राय का उदाहरण देख लीजिए आप। तो कहने का प्रश्न ये है कि जो जीता वही सिकंदर। और मुझे ये लगता है कि जब हम 400 सीटों के बारे में बातचीत करते हो, असली लड़ाई क्या? भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर आ रही या नहीं ला रही? अगर 272 सीटें लेकर आ रही है तो 273 हो रहा है या 273 से कोई मतलब नहीं, उनकी सरकार तीसरी बार बनेगी अगर 272 लेकर आएंगे। अगर 271 रहेगी तो दिक्कत होगी। गीता कोड़ा या जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का किसी का, ये तमाम मुद्दे होते हुए सीबीआई ईडी ये करते हैं वो करते हैं, बावजूद इसके विपक्ष का नैरेटिव सेट इन क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा ये प्रश्न है। उनकी क्या चुनौती है? अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी स्थिति में है जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में थी। यानी एक पार्टी का एक छत्र उसका प्रभाव है, उनके नेताओं पे लोगों का विश्वास है और पार्टी का संगठन जबरदस्त है। विपक्षी पार्टियां उस पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी से देख रहे हैं आप। कोई 10 सीट लेकर आया था, कोई 25 सीट लेकर आया था, कोई आज तो कोई 40 सीट भी लेके नहीं आया। जो भारतीय जनता पार्टी आज एक छत्र राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर 1984 तक 7% वोट लेकर आई। आप 30 साल का सफर, 7% वोट। पहली बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बनती 1990 में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा बेकार थी? आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसका मतलब ये तो ये थोड़ी आने वाले 20 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही रही। तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैं पूछ कुछ और रही हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं कह रही हूँ एज एन एनालिस्ट क्या कमी लग रही है आपको? कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए कि जान वो फूंक पाए? कांग्रेस को देखिए, अपने आप को रीइन्वेंट करने का मतलब ये, कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना है। या तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, या अगर ये पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी इनके साथ आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं दरबारियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत दिखाई पड़ती, इन्हीं दरबारियों की वजह से। अब आए ना लाइन पे, चाहे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आप किनकी वजह से हारे? आप जीता हुआ चुनाव हार गए। आप राजस्थान आप जीत सकते थे, सेंटर लगातार कह रहा था कि आप 30% में एमएलए के टिकट काट दीजिए, अशोक गहलोत तो नहीं काटा, अंत वही 30 विधायक जो थे वो आपके लिए भारी पड़ गए। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप पुरानी तरीके से, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या, पुराने तरीके सोच रही है, और जब तक पुराने तरीके सोचती रहेगी, रणनीति बनाती रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अतुल जी इसका जवाब आप दीजिए। ये पलट तेरा ध्यान किधर है चड्डी वाले, इधर है
नहीं, मैं एक बात तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई है ये, मीडिया अगर सच 2 महीना कंटिन्यू दिखा दे, अंजना जी ने चंडीगढ़ का केस हमारे पास है, हमारे पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का केस है, हमारे पास 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है वो मित्रों का माफ किया वो बात है, हाथरस है, मणिपुर है, ऐसे कई केसेस है, ऐसे जैसा 2012-13 में 14 में ऐसा चलता था कंटिन्यू, दिन दिन भर एक ही डिबेट, लोकपाल लोकपाल, बाद में सब बंद हो गया। तो सच्चाई जो है वो विपक्ष जो काम है वो काम हो सकता है। तो मेरा टाइम खराब चल रहा है। अब रही बात, शुक्ला जी ने बड़ी बड़ी बातें की, दरबारियों पर भी तो दो लाइन बोलिए, दरबारियों पर भी तो दो लाइन बोलिए, क्योंकि एक एक एनालिस्ट जिसने बहुत दशकों तक पॉलिटिक्स को कवर किया है, जमीन पर भी, स्टूडियो में भी और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाकर, वो आपको एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहां से आप हटा के गाड़ी आपने हाई स्पीड यू टर्न मोड़ दिया मीडिया की तरफ, आप लोग इश्यूज क्यों नहीं उठा पा रहे? आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी में जो कमी है वो आपको क्यों नहीं दिखती है? नहीं भाई, तेरी जबान बिल्कुल ठीक है, मेरी कान तोतले। नहीं नहीं, हमारे इसमें जो इन्होंने दरबारी कर दिया, ये उठा उठा कर ले जाते, ये कहते कि नहीं उनका फायदा होता है, प्रेम शुक्ला जी ने खुद ही इस बात को मंजूर कर लिया कि नहीं 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 उनके आने से हमको फायदा होता है, ये काम नहीं करते हैं, इनके पास कोई नरेटिव नहीं है बराबर, इसलिए लोगों को ले लेके जा रहे हैं लोग, ये तो खुद ही उनकी, देखो उन्होंने खुद कबूलनामा दिया है इस बात का। अभी इन्होंने अशोक चव्हाण जी की बात की थी कि ये हार गए थे, किसके वजह से हारे थे? वोट डिवीजन के वजह से हारे थे। यशपाल भिंगे बहुजन वंचित आघाड़ी से खड़े थे, उन्होंने 161,000 वोट लिए, 161,000 वोट लिए थे, ऐसे 12 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी का वोट ज्यादा था, आज वो बहुजन विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ में इंडिया के साथ में है। तो ऐसा डिवीजन अगर आप देखोगे तो डिवीजन में बीजेपी की सीटें जीती हुई जो है वो 225 से ज्यादा है, डिवीजन में जीती हुई सीटें, आज वो डिवीजन नहीं है। आज देखिए गुजरात की बात चल रही थी, खूब बता रहे थे, 3 साल में 25,478 आत्महत्याएं हुई है, 495 जो है वो विद्यार्थियों की, छात्रों की आत्महत्या है, और आज के तारीख में देश में हर 2 घंटे में 2 से ज्यादा छात्र जो है, युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं की स्थिति हम देख रहे हैं हर जगह। अरे ये जो मोदी जी जो कहते हैं तो उसमें रियलिटी कितनी है? कल यवतमाल में आए थे उसी दाबड़ी में जहां उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से आपको 1.5 गुना सीटों पर देंगे, वहां पर कुर्सियां खाली थी, तो नरेटिव कहां सेट हो पा रहा है? ये तो बात जो की जा रही है, सच्चाई तो ग्राउंड पर अलग है। तो ये मुद्दों के साथ जाना, डिवीजन को अवॉइड करना और सबको साथ में लेकर जाने की जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की, ये आपको दिखेगी किस तरह से रंग लाती है। संजय जी, जीतेंगे हम 2024 का चुनाव, चड्डी तो तुम बेच नहीं सकते। ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो कम से कम कभी नहीं खोना चाहिए, बाकी जो भी हो। लेकिन संजय जी, एक 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 सच्चाई और है, एक एनालिस्ट के तौर पे कॉन्फिडेंस बता रहा हूं ना। ठीक है सर, हेडलाइंस पता है क्या देते हैं आप लोग इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद? कि कास्ट सेंसस को लेकर हमारे, आप कास्ट पर फोकस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसके जरिए वोट मिलेगा। सवाल यह है कि आप क्या हेडलाइंस बना रहे हैं? आप किसानों के आत्महत्याओं की बात को कितना करें? मुझे याद है 2009 में यह भी बहुत बड़ा मुद्दा था, और फिर किसानों की कर्ज माफी ऐसी वजह बनी कि यूपीए की सरकार फिर से सत्ता में आई थी। तो मुद्दे ऐसे बनते हैं, उसके हिसाब से सरकारें जो काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है। लेकिन संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है, मतलब थर्सडे को मीटिंग हुई सीईसी की, बीजेपी की, सुबह 3:30 से 4 बजे तक पीएम, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सारे, और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, सारे राज्य इकाइयों के साथ सुबह 4 बजे तक मीटिंग हुई कि पहला लिस्ट ऑफ उम्मीदवार हमें निकालना है। कांग्रेस कहां फंसी हुई है? हिमाचल प्रदेश में हमें विक्रमादित्य सिंह और सुखिंदर सिंह सुक्खू की लड़ाई को सुलझाना है, डीके से लेकर, डीके शिवकुमार से लेकर भूपिंदर हुड्डा, भूपेश बघेल, जो इनके धाकड़ नेता सब हैं, सब वहां पर बैठे हुए हैं सुलझाने के लिए। सीट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर वैसी जो, मतलब जो एक ऊर्जा दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, क्या स्ट्रैटेजी में भी कमी है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी में कमी है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो असल मैच के पहले जब नेट प्रैक्टिस होता है तो एक टीम सुबह 6 बजे से नेट प्रैक्टिस पर है, और यूं कहें कि दूसरी टीम अभी सुबह 11 बजे अंगड़ाई ले रही है कि हाँ नेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे लगता है कांग्रेस का हाल वैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया। बीजेपी में जब सीटों के बारे में निर्णय लेना है तो तमाम बड़ी मीटिंग हो रही है, 3 बजे तक तमाम बड़े नेता बैठे हैं। ये वैसे ही एग्जाम्पल है कि भाई बड़ा मैच है, बड़े मैच में आपकी टीम मजबूत है, फिर भी आप सुबह 5 बजे 6 बजे से लगे हुए हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे आपके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी टीम जो कमजोर है, लेकिन शायद वो कमजोर है, शायद वो मानती है कि आप कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लें शायद मैच जीत नहीं पाएंगे, तो वो आप 11 बजे तक अंगड़ाई ले रहे हैं और मैच में खेलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं।
इसी तरह का माहौल है। आपने जो कहा कि स्ट्रैटेजी में दिक्कत, स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है नैरेटिव। कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास एक पॉजिटिव नैरेटिव नहीं है। हम जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक और केमिस्ट्री, अरिथमेटिक से चुनाव आप नहीं जीत सकते क्योंकि 224 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट है। आपको केमिस्ट्री बनाने की जरूरत है और केमिस्ट्री अरिथमेटिक से नहीं बनेगा। केमिस्ट्री के लिए आपको एक पॉजिटिव नैरेटिव है। नैरेटिव क्या है जिसका जिक्र आपने भी किया अंजना जी, मीटिंग होती है उसके बाद क्या हेडलाइन बनता है, कास्ट सेंसस और लोकतंत्र बचाने का चुनाव। लोकतंत्र बचाने का चुनाव जनता का मुद्दा नहीं है। जनता समझती है लोकतंत्र बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और बार बार मैं यही सुनता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कहती हैं ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है जिसका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो तो वोटर है, वो तो लोकतंत्र के लिए वोट करने जाता है। वो थोड़ी मानेगा कि मैं अपना वोट डालने जाता हूं और लोकतंत्र ही नहीं है तो मैं काहे के लिए वोट करने जाता हूं। वास्तव में देखा जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। विपक्ष जो दो मुद्दे उठाते हैं, पहला कास्ट सेंसस और दूसरा लोकतंत्र खतरे में है। कास्ट सेंसस तो पुराना माल हो चुका है, ये उस समय सही था जब मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव राजनीति कर रहे थे, तब उन लोगों ने कास्ट सेंसस को उठाया था और उस पर सफल भी हुए थे। अब उस मुद्दे पर सफल होना मुश्किल है। दूसरी ओर लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है तो हम तो वोट देने जा रहे हैं, हम वोट दे करके तो चुन रहे सरकार को, तो फिर लोकतंत्र खतरे में कहाँ से। तीसरी चीज़ अक्सर ये कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी तब भी थी, बेरोजगारी अब भी है, और महंगाई की बात तो बहुत पुरानी हो गई। महंगाई तो मेरी उम्र 50 वर्ष है, मैं बचपन से महंगाई की बात सुनते आ रहा हूँ। कितनी दिनों तक सुनूँ मैं महंगाई की बात? नहीं, अब नहीं सुनूंगा महंगाई की बात। कुछ नया चीज़ लाइए, मार्केट में कुछ नया होगा तभी बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।